मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ क्लास 5 इंग्लिश लिटरेचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, द बर्थ ऑफ द सीजन्स। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट इन माई लास्ट जूम क्लास ऑन लास्ट सैटरडे आई हैड टेकन सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट द about one page of page number 37, okay, and this is a story which is based on this is a mythological story, matlab dharm se sambandhit mythology, dharmik keh sakte hain, aur it's based on a roman background, theek hai, roman background, Rome is a country you know. रीड ए माइथोलॉजिकल स्टोरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ सीजन्स। ऐसा विश्वास माना जाता है कि ये एक स्टोरी जो है इसके बारे में कि सीजन्स कैसे बने, हाउ सीजन्स चेंज एंड दे कम वन आफ्टर अनदर। ओके, सो वी विल रीड दिस स्टोरी विच इज़ बेस्ड ऑन ए रोमन बैकग्राउंड, आई टोल्ड यू। ओके, सो and in the, that Zoom class I had explained you and I told you to keep in mind that the characters of this story, because there are many characters and they are related to each other, so there you should have a very clear picture in your mind ki kaun kaun tha, kaun kiska kya tha, their relationship, okay, so then only you will be able to understand this story, theek hai। Again, I will explain you here in this video also, but just keep in mind, and as I have made some circle on the names of the especially characters, you can also mark them in your book, okay, after seeing this video. All right, I am starting the chapter. Every year the seasons change as spring gives way to summer, to be followed by autumn and winter, theek hai। यूजुअली हम देखें कि जैसे हमारे देश में भी ऐसा होता है कि समर स्प्रिंग सीजन से, अगर इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द स्प्रिंग सीजन, सो आफ्टर स्प्रिंग समर सीजन कम्स, देन इट इज़ फॉलोड बाय, ऑल्दो देर इज द साइकिल इज सम डिफरेंट, बट बिकॉज दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द रोमन बैकग्राउंड एज आई टोल्ड यू, तो जो स्टोरी है उसके हिसाब से समर के बाद ऑटम आता है, ठीक है, एंड देन विंटर, ओके। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ़ यू स्टार्ट द सीक्वेंस और द नंबर्स ऑफ द सीजन्स फ्रॉम स्प्रिंग, दैट यूजुअली एज वी हैव दिस इन फेब्रुअरी एंड मार्च, आफ्टर दैट यू वी ऑल नो दैट that summer comes, then autumn and then winter, okay, but this was not always so, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। a very long time ago when the earth was still young, और बहुत पुराने, बहुत कई सौ हज़ार साल पहले, when our earth was still young, यानी कि earth का जब formation ही हुआ था, earth बनी ही थी तब की बात है, बहुत पुरानी बात है। इट वॉज स्प्रिंग ऑल ईयर राउंड, और उस समय ऐसा होता था कि स्प्रिंग सीजन पूरे साल ही और स्प्रिंग सीजन होता था, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी कि कैसे ये रोमन मिथ है, इसके माना जाता है कि इट वॉज स्प्रिंग ऑल ईयर राउंड, यानी पूरे समय, जैसे कि स्प्रिंग में वी हैव वेरी प्लेजेंट सीजन, नाइदर इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नाइदर वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी प्लेजेंट इन द फेब्रुअरी एंड मार्च मंथ यू नो, and the gardens are full of flowers, okay, so nature shared her bounty and crops grew all through the year, aur nature jo tha wo apna, it used to give a large amount of food and wealth, bounty of nature, yani nature ke dwara bahut kuch logon ko milta tha, yani because the weather was very pleasant whole year, सो एवरीबडी वॉज हैप्पी एंड द क्रॉप्स ग्रू वेल थ्रू आउट द ईयर, और जो क्रॉप्स थी वो, जो फसलें थी वो बहुत अच्छी होती थी पूरे साल। नाउ
from this second paragraph we are going to study about some characters. Okay, now Jupiter was the king of all Roman gods and lived on Mount Olympus. ठीक है, Jupiter नाम का एक king था जो कि he was the king of all Roman gods. जितने भी गॉड रोमन गॉड्स थे वो सबका किंग था, वो सबसे बड़ा था. एंड ही वॉज किंग एंड ही यूज टू लिव ऑन माउंट ओलंपस. माउंट ओलंपस नाम का एक पहाड़ था और वो उस पर रहता था. द अबोड ऑफ ऑल गॉड्स, और सारे और दूसरे भी गॉड्स जो थे वो सब वहीं रहते थे माउंट ओलंपस पे. ठीक है, हिज सिस्टर सेरस द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इन चार्ज ऑफ द हार्वेस्ट. और उसकी एक सिस्टर थी, उसकी एक बहन थी जुपिटर की, सेरस. ठीक है, CERES. शी वॉज द गॉडेस. ओके, जुपिटर वॉज द किंग ऑफ ऑल रोमन गॉड्स एंड सेरस वॉज द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर. उसके वो गॉडेस वो उन सभी एग्रीकल्चर की, इट वॉज ऑल इन हर हैंड्स. ओके, शी वॉज द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर. एज वी इन द हिंदू मैथोलॉजी दैट लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ, है ना, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू. तो इस तरह से होता है. तो ये शी वॉज द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट वॉज इन चार्ज ऑफ द हार्वेस्ट, यानी कि जितनी खेती बाड़ी फसलें होती थी वो उसके हाथ में था. ठीक है, जुपिटर ऑल द गॉड्स एंड मॉर्टल्स वर्कड हार्ड टू कीप सेरस हैप्पी. और इवन किंग जुपिटर जो था, जो किंग ऑफ गॉड्स रोमन गॉड जुपिटर जो था वो भी उसकी मदद करता था. एंड ऑल mortals, mortal means ऑल द अदर ह्यूमन beings, जो जितने भी लोग थे. mortal कहते हैं उनको जो कि perishable होते हैं, यानी जो कि they die. You know that the god and goddesses they never die, but the mortal means the person, people who finish their life on the earth and they die. तो वो सभी इंसान और वो सभी देवता गॉड जो थे वो सभी इसके लिए बहुत मेहनत करते थे. सेरस के दे वर्कड हार्ड टू कीप सेरस हैप्पी, वो सेरस को हैप्पी रखना मांगते थे बिकॉज शी वॉज इन चार्ज ऑफ द एग्रीकल्चर. सब कुछ भी जो कुछ भी ऑल क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग सब कुछ उसके हाथ में था. इफ़ शी वॉज अपसेट क्रॉप्स कुड डाई, अगर वो बहुत दुखी होती थी परेशान होती थी तो क्रॉप्स जो थी वो सूख जाती थी, मर जाती थी, यानी कि फसलें ख़त्म हो जाती थी. एंड सेरस वॉज द हैप्पीस्ट वैन शी वॉज विद हर डॉटर द ब्यूटिफुल यंग गॉडेस प्रोसरपाइन. ठीक है, सेरेस सबसे ज़्यादा तब खुश होती थी जब वो अपनी बेटी के साथ होती थी. एंड हर डॉटर्स नेम वॉज प्रोसरपाइन एंड शी वॉज ए ब्यूटिफुल यंग गॉडेस. शी वॉज ऑल्सो ए गॉडेस एंड शी वॉज वेरी यंग एंड ब्यूटिफुल बिकॉज शी वॉज द डॉटर ऑफ सेरेस. ओके, दे प्लेड टूगेदर इन द फील्ड्स एवरी डे. वो माँ मदर एंड डॉटर दे यूज टू सेरेस एंड प्रोसरपाइन यूज़ टू प्ले टुगेदर इन द फील्ड्स एवरी डे. वो खेतों में ज़मीन में वहीं की हमेशा खेलती रहती थी, वहीं पर आसपास रहती थी दोनों एक दूसरे. दे यूज़ टू बी इन द इन ईच अदर्स कंपनी. वैन प्रोसरपाइन स्माइल्ड एट हर मदर सेरेस हार्ट फिल्ड विद जॉय. और प्रोसरपाइन जब वो स्माइल करती थी अपनी माँ की ओर देख के तो सेरेस जो उसकी मदर जो थी सेरेस उसका हार्ट जो था उसका दिल जो था खुशी से भर जाता था. शी यूज़ टू बी फील वेरी हैप्पी when she used to see her daughter smiling. Okay, now the second paragraph. Now here one more character is coming in this paragraph. While Jupiter ruled the world above, यानी कि जो जुपिटर जो था वो इस दुनिया में, जो अबव मीन्स जो ऊपर की दुनिया है, ऊपर मीन्स कि जो जैसे बीच की दुनिया, वी कैन से वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हेवन, जो अर्थ के ऊपर की दुनिया थी. ठीक है, अबव मीन्स कि अर्थ के ऊपर की दुनिया, यानी कि जैसे हम लोग अभी रहते हैं इस वर्ल्ड, है ना. ठीक है, हिज ब्रदर प्लूटो जुपिटर्स द नेम ऑफ द ब्रदर ऑफ द जुपिटर वॉज प्लूटो वॉज किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड. व्हाट वॉज द डिफरेंस व्हेन द वाइल द जुपिटर वॉज द किंग ऑफ द अर्थ अबव द अर्थ, मैंने ज़मीन के ऊपर का था. एंड हिज ब्रदर प्लूटो वॉज द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड, जो ज़मीन के अंदर, यानी कि वी कैन सी अंडरवर्ल्ड इज यू ऑल नो दैट पताल जिसको हम लोग बोलते हैं. ज़मीन के नीचे भी ये कहा जाता है कि हमारी जो धरती है उसके नीचे भी पूरी दुनिया है. इट इज़ ए बिलीव, ये एक विश्वास है कि एक तीसरा लोक जिसको बोलते हैं पाताल लोक. हमारा धरती लोक है, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक.
तो वी कैन से दैट प्लूटो वॉज द किंग ऑफ द पाताल लोक. ओके नाउ यू अंडरस्टैंड. जो धरती के नीचे अंडरवर्ल्ड इसलिए कहा जा रहा है उसको, धरती के नीचे इस ज़मीन के नीचे, ठीक है. अ ग्लूमी किंगडम फार अवे फ्रॉम द ब्राइट वर्ल्ड ऑफ ओलंपस. और एक ही बहुत ही ग्लूमी यानी एक अंधेरे वाला एक खराब सा जिसमें कोई डिम एंड डिप्रेस्ड इस तरह का था कि ग्लूमी मतलब वहाँ जाके किसी को कोई खुशी ना हो, अंधकार वाला और अजीब सा वीरान जैसे कह सकते हैं, मतलब कुछ भी अच्छा उसमें नहीं था. एंड इट वॉज़ फार अवे फ्रॉम द ब्राइट वर्ल्ड ऑफ ओलंपस. का वर्ल्ड जो था इट वॉज ऑन द अर्थ बिकॉज इट वॉज ब्राइट एंड इट द स्प्रिंग वॉज देयर ऑल ओवर द ईयर. द सन नेवर शोन इन दिस डार्क एंड एवरी लैंड विद ब्लैक लेक्स एंड ड्रिपिंग कैवर्न्स. क्या था वहाँ पे, वहाँ पे तो सूरज कभी चमकता नहीं था बिकॉज वो तो धरती के अंदर की बात थी. तो वहाँ तो देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ द सनशाइन. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन दैट द सन नेवर शोन इन दिस डार्क. यानी अंधेरी दुनिया थी वो एकदम. एंड स्ट्रेंज री मीन्स स्ट्रेंज लैंड विद ब्लैक लेक्स. और वहाँ चुकी चुकी जो झीलें थी जो लेक्स थी वो देवर ऑल्सो ब्लैक बिकॉज देर वॉज नो सन लाइट. तो वो वहाँ का पानी भी जो था वो काले रंग का था. इस तरह से दिस एज इट इज़ रिटन इन द बुक कि लेक्स वर ब्लैक. झीलें यानी झीलों का पानी जो था दैट वॉज इन ब्लैक कलर. दे हैड ब्लैक कलर एंड ड्रिपिंग कैवर्न्स. और जो वहाँ की केव्स जो थी वो ड्रिपिंग थी यानी कि ऐसे लटकती हुई जैसे कि टपकती हुई जैसे कि अब गिरी जैसे ऊपर से नीचे की ओर. देवर नॉट वेरी स्ट्रांग. देवर ऐसा लगता था कि जैसे कि वैक्स जैसे टपकता है नीचे को नीचे की ओर लंबा होके थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद होके इस तरह से थी ड्रिपिंग. द ओनली लाइट वॉज फ्रॉम अंडर ग्राउंड फायर्स. और हवा जो रोशनी मिलती थी वहाँ पे वो सिर्फ फायर से होती थी यानी कि आग जलाने से होती थी. अदरवाइज देर वॉज नो लाइट इन दैट अंडरवर्ल्ड ज़मीन के नीचे पाताल में. ठीक है वी गो टू द नेक्स्ट पेज नाउ. दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द प्रीवियस पेज. इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द केव्स. देवर ड्रिपिंग ऐसा लगता था कि जैसे ऊपर से लटक नहीं नीचे की ओर बट दे नेवर स्नैप्ड और क्रैकल्ड. वो कभी टूटती या चटकती नहीं थी बट वो ऐसी थी जो कि देखने में बड़ी भयावह लगती थी, मतलब देखने में बड़ी डरावनी थी. ठीक है द वाटर्स ऑफ द लेक्स वुड ग्लो फ्रॉम द लाइट ऑफ द साइलेंट बर्निंग फायर. और जो उसका जो द ब्लैक वाटर ऑफ द लेक्स जो था वो तभी चमक बड़े अजीब तरीके से चमकता था जबकि कभी भी जब वहाँ पे फायर बर्न की जाती थी यानी फायर जब आग जलती थी तो तब वो चमकता दिखाई देता था. अदरवाइज वो दिखता ही नहीं था बिकॉज इट वॉज इन ब्लैक कलर. ओके प्लूटो लव्ड दिस वर्ल्ड. प्लूटो को लेकिन अपनी ये दुनिया बहुत अच्छी लगती थी इवन इफ नो वन एल्स डिड. जबकि किसी और को उतना अच्छा वहाँ पे जो रहते थे लोग उसके साथ उन्हें नहीं लगता था, किसी को नहीं लगता था. ही थॉट इट मोर ब्यूटीफुल देन द ब्लू स्काईज ग्रीन फील्ड्स एंड फ्लावर्स ऑफ द वर्ल्ड अबव. और वो सोचता था कि उसकी दुनिया जो है वो जो ऊपर की दुनिया है यानी कि धरती के ऊपर की है जहाँ पे ब्लू स्काई दिखाई देता है एज वी ऑल सी ग्रीन फील्ड्स हैं हरे भरे मैदान हैं और फ्लावर्स हैं उनसे वो ज़्यादा खूबसूरत उसकी सुंदर उसकी दुनिया है. उसको काली अपनी अंधेरी दुनिया जो थी ही यूज़ टू थिंक कि इट इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन द वर्ल्ड अबव. बट ही हैड टू कम टू हिज टेम्पल्स इन द वर्ल्ड अबव समटाइम्स. लेकिन उसको कभी कभी जो था उसको मंदिर में आने के लिए पूजा के लिए अपने वर्शिप के लिए कभी कभी ऊपर की दुनिया में यानी धरती के ऊपर भी आना पड़ता था. इवन दो द चेरी सनलाइट हर्ट हिज आइज एंड स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स मेड हिम फील फेंट. जबकि क्योंकि वो बिकॉज ही वॉज सो मच यूज टू ऑफ लिविंग इन अ डार्क वर्ल्ड इन अ डार्क अंधेरी दुनिया में रहने का इतना ज़्यादा वो आदि था कि जब वो ऊपर आता था कभी टेम्पल्स में अपनी वर्शिप के लिए तो उसको जो सनलाइट जो थी ना जो वो जो लोगों को खुश करती है अच्छा लगता दिन निकलता है एज वी फील हैप्पी उसको वो उसकी आँखों में चोट करती थी. इट यूज टू हर्ट हिज आइज एंड स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स. और जो फूलों की मीठी खुशबू होती है वो उसको जब उसको उसकी नाक में जाती थी तो उसको ऐसा लगता था कि वो फेंट हो जाएगा. ही यूज़ टू फील फेंट. उसे बेहोशी आने लगती थी बिकॉज ही नेवर यूज़ टू लाइक ऑल दैट नाइदर द सनलाइट नॉर द फ्रेगरेंस. फ्रेगरेंस मीन्स खुशबू स्मेल. ओके ऑफ द फ्लावर्स. उसको ऐसा लगता था कि वो बेहोश हुआ जा रहा है उसको
उसके नाक में जाने से. ही नेवर यूज टू लाइक ऑल दैट सन लाइट एंड फ्लावर्स एंड ग्रीन फील्ड्स एंड एयर नथिंग बिकॉज ही वॉज द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड ब्लैक वर्ल्ड. ओके इट वॉज ऑन वन ऑफ दीज विजिट्स द प्लूटो सॉ प्रोसरपाइन वाइल्ड शी पिक फ्लावर्स इन द फील्ड एंड फेल इन लव विद हर. अब क्या हुआ कि एक बार जब वो विजिट पे आया अपर वर्ल्ड में ऑन द अर्थ ही केम सडनली ही सॉ प्रोसरपाइन द डॉटर ऑफ सेरस वाइल्ड शी पिक फ्लावर्स इन द जब वो अपने मैदान में थी एंड शी वॉज पिकिंग द फ्लावर्स वो फूल तोड़ रही थी तो उसने उसे देखा एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ हिज ब्रदर सिस्टर नॉट ब्रदर सेरस सेरस वॉज ऑल्सो द सिस्टर ऑफ प्लूटो प्लूटो शी वॉज द सिस्टर ऑफ जुपिटर एंड प्लूटो बोथ सो शी वॉज हर सिस्टर्स डॉटर ओके शी वॉज हर नीस इन दिस रिलेशनशिप शी ही हैड द रिलेशनशिप दैट प्रोसरपाइन वॉज हिज सिस्टर्स डॉटर मीन्स वो उसका मामा था. ठीक है सो बट ही फेल इन लव विद हर लेकिन उसको वो बहुत सुंदर लगी अच्छी लगी और उसको ऐसा लगा कि उसको उससे प्रेम हो गया है उसको बहुत अच्छी लगी. I have never seen anyone so beautiful, he thought. उसने बिकॉज ही यूज टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड तो उसने जब उसे देखा तो उसने कहा कि मैंने इतनी सुंदर तो कभी किसी को देखा ही नहीं इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी देखी नहीं. ही थॉट आई विल टेक हर होम एंड शी विल बी माई क्वीन और उसने कहा सुमन में सोचा कि मैं इसको अपने साथ अपने घर ले अंडर वर्ल्ड में ले जाऊँगा एंड शी विल वो मेरी रानी बन जाएगी मैं इसको अपनी रानी बना लूँगा. ठीक है एज ही swooped her up in his chariot the goddess cried out in surprise and confusion aur usne kya kiya he used to come in the chariot whenever he used to come on the earth so you can see this photograph on the left side that he is standing on his chariot and that the horses are there so उसने क्या करा कि एक झटके से उसको उठा लिया मूविंग अपनी मूव करते करते अपने उसको चैरियट को ही पिक्ड हर उसने उसको झटके से ऐसे पकड़ के एकदम एज यू कैन सी दैट ही हाउ फोर्सफुली ही हैज़ टेकन द प्रोसरपाइन इन हिज चैरियट. ओके और उसी तेज़ी से उसने उसको अपने चैरियट में रख लिया एंड द गॉडेस क्राइड आउट इन सरप्राइज एंड कन्फ्यूजन because she was not prepared and she never thought that this Pluto will do this so she cried out in wo hairan hoke aur confusion mein wo cheekhi chillayi Ceres heard her cry from afar aur usne uski mother Ceres ne Ceres heard her cry from afar usne dur se uski awaaz suni because he was taking him taking her far away एंड सेरेस हर मदर ऑफ प्रोसरपाइन हर्ड हर क्राई उसकी रोना उसका आवाज़ उसकी चीख सुनी उसने एंड शी थॉट माई डॉटर नीड्स माई हेल्प शी क्राइड और वो भी चिल्लाई वो शी वॉज कन्फ्यूज एंड ऑल्सो एंड शी वॉज एक्साइटेड एंड शी सेड कि मेरी शायद माई डॉटर इज़ इन ट्रबल एंड शी नीड्स माई हेल्प उसे ऐसा समझ में आया कि समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड उसको ये समझ में आ गया कि वाई माई डॉटर इज़ शाउटिंग वाई माई डॉटर इज़ क्राइंग चीख रही है रो रही है क्यों वाई And she I think she needs my help. She is in trouble. उसने समझ लिया But try as she might, she was too far away to come to Proserpine's aid. लेकिन वो उससे काफ़ी दूर थी और continuously he was taking Pluto was taking her far away. So their distance was big between the mother and daughter. She was too far away to come to Proserpine's aid. अब वो नहीं आ पाई उस वहाँ तक because he was taking her in his chariot and he was running the chariot तेज़ी से उसको दौड़ा रहा था ताकि जल्दी से जल्दी वो वहाँ से निकल के अपने अंडरवर्ल्ड में चला जाए. ठीक है बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो फार अवे फ्राम दीज पीपल फ्राम हिज मदर एंड फ्राम द अपर वर्ल्ड कि वो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको प्रोसरपाइन को फिर उससे वापस छीन लें. सो ही वॉज रनिंग Pluto rode away plunging his
chariot into the darkest depth of the underworld, taking Proserpine with him. और उसने क्या करा कि वो उसने क्या करा कि उसने इतनी तेज़ी से अपना रथ को दौड़ाया, ही रोड अवे, उसने इतनी तेज़ राइडिंग उसकी करी, इतना तेज़ दौड़ाया और वो एकदम से अपने अंडरवर्ल्ड में प्लंज कर गया, मीन्स कूद गया हिज चैरियट। उसने जल्दी से अपने उसको चैरियट को अपने जो उसके अंदर की जो डार्क वर्ल्ड था, अंडरवर्ल्ड था, उसमें जल्दी से उसमें जंप मार दिया अपने चैरियट के समेत इनटू द डार्केस्ट डेप्थ, और उस गहराई में, उन गहरी अंधेरे में, गहराई में अंडरवर्ल्ड की वो चला गया, टेकिंग प्रोसरपाइन विद हिम, और अपने उसको प्रोसरपाइन को अपने साथ ले गया, बिकॉज हर मदर कुडंट कम टू प्रोटेक्ट हर, टू सेव हर, सो शी कुडंट कम, शी कुड ओनली क्राइड एंड शी न्यू दैट प्लूटो हैज़ टेकन अवे हर डॉटर, ओके, सो ही टुक अवे। So children, I am finishing this video up to this point and we will take rest of the part in the second video. Okay, I think this much is enough for today's video. Okay, thank you.